नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल NVCC कोंडवा। NVCC मीन्स न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर। न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर ये पुणे से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में कोंडवा में स्थित है। मंदिर लगभग 6 एकड़ परिसर में बना हुआ है। इस मंदिर को बनने में लगभग 7 साल लग गए और ये मंदिर निर्माण में 40 करोड़ रुपए का खर्चा आया। मंदिर का उद्घाटन 2013 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने किया था। यह पुणे के सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। यह मंदिर कात्रज कोंडवा बाईपास पे है और पुणे रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे है। शिवाजी नगर से 12 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ से आप बस या रिक्शा या कैब से जा सकते हैं और पुणे एयरपोर्ट से ये लगभग 18 किलोमीटर दूरी पे है। इस मंदिर परिसर में दो प्रमुख मंदिर है, एक राधा कृष्ण मंदिर और दूसरा वेंकटेश्वर मंदिर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आप एक तुला दान करते हैं, मतलब लगभग अपने वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से जो भी साहित्य रहेगा वो उसको दान करते हैं। अभी ये मंदिर में हम एंट्री कर रहे हैं। ये राधा कृष्ण मंदिर उत्तर भारतीय वास्तुकला शैली में बनाया गया है। इसमें रेड स्टोन और मार्बल का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। ये आप मंदिर का परिसर देख सकते हैं। अभी हम मुख्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर की दीवारों पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग की गई है, बहुत अच्छी कला कौशल दिखाई देती है। ये आप ऊपर देख सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। यहाँ मंदिर परिसर में सब लोग ये जप करते रहते हैं। ये देखिए, ये स्वामी प्रभुपाद जी की मूर्ति है। स्वामी प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी 1966 में। और इस्कॉन के सेंटर पूरी दुनिया में है। अभी उनके टेंपल्स है, कल्चरल सेंटर्स है, इंस्टीट्यूशंस है। इनके मूवमेंट को हरे कृष्ण मूवमेंट भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। अभी हम देख रहे हैं ये तीन भगवान की जो मूर्तियां हैं। ये देखिए ऊपर में जो कलाकृति है, ये अद्भुत पेंटिंग है और अद्भुत कला दिखाई दे रही है। ये देखिए तीन पार्ट है। सबसे पहले में गौर और निताई की ये आप देख सकते हैं।
इसके बाद इधर सेंटर में राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं। इधर का मुख्य देवत राधा कृष्ण। मूर्ति काफ़ी सुंदर है और काफ़ी अच्छी सी सजाई गई है, आप दर्शन ले सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण, मतलब जगन्नाथ। ये जगन्नाथ पुरी में ये तीनों की मूर्तियाँ हैं, वैसा ही भी इधर ही है, बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ। जगन्नाथ बोले तो श्री कृष्ण। उड़ीसा में जगन्नाथ पुरी है, वहाँ ये मंदिर है पुरी का, सेम वैसा ही इधर है, बलराम, सुभद्रा और कृष्ण। मंदिर में ऊपर में आप दीवार पे पेंटिंग और अलग अलग सारी कला देख सकते हैं। इस मंदिर में भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के क्लासेस लिए जाते हैं, यहाँ डेली ये क्लासेस लिए जाते हैं। ये अभी मंदिर का बाहर का परिसर आप देख सकते हैं, हम अभी इस मंदिर का प्रदक्षिणा करने जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये भक्त ध्रुव, उसकी कहानी है। वो एक विष्णु भक्त था, उस कहानी का वो कुछ चित्रों द्वारा दिखाया गया है। इस मंदिर में बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल है, जहाँ लगभग 1000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके बाद भक्त प्रहलाद की भी कहानी बताई गई है। भक्त प्रहलाद भी नारायण भक्त था और उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने उनको बहुत तकलीफ दी थी। ये आप चित्र में देख सकते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकश्यप का वध किया था। इधर आप देख सकते हैं ये पूरी कहानी चित्रों द्वारा बताई गई है। नरसिंह अवतार, श्री विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला, बाल लीला और महाभारत के का कुछ दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। या बाहर का परिसर देख सकते हैं।
ये देखिए अब श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। इसके बाद महाभारत के कुछ दृश्यों को भी दर्शाया गया है, भगवद गीता उपदेश का भी दिखाया गया है। अभी हम जा रहे हैं वेंकटेश्वर मंदिर की तरफ। ये वेंकटेश्वर मंदिर इसी मंदिर के बाजू में है, इधर आप देख सकते हैं। ये दक्षिण भारतीय वास्तुशैली के हिसाब से बनाया गया है, कोटा स्टोन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। ये गोपुर आप देख सकते हैं, मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। इधर आप सामने जो काफ़ी लोग देख सकते हो कुर्सी पे बैठे हैं, ये माला लेके यहाँ जो भी लोग आते हैं यहाँ के अनुयायी उनको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करने बुलाते हैं। कम से कम एक माला मतलब 108 बार ये मंत्र बोलने के लिए बोलते हैं। काफ़ी लोग आके यहाँ ये मंत्र बोलते हैं, जप करते हैं, उनको काफ़ी सुकून महसूस होता है। कलयुग में नाम जप का काफ़ी महत्व है। इधर आप देख सकते हैं वेंकटेश्वरा टेम्पल में हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से ये श्री राधा कृष्ण मंदिर कैसे दिखता है ये देखिए। अभी हम वेंकटेश्वरा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश भगवान बालाजी गोविंदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान बालाजी बहुत दयालु है, जो कोई भी उनसे मदद के लिए प्रार्थना करता है उनकी वो मदद तुरंत करते हैं। तिरुपति में भगवान बालाजी ने असंख्य चमत्कार किए हैं। तिरुमाला का परिवेश भगवान बालाजी की भक्ति की लहरें जगाता है और गोविंदा नाम भक्तों की जुबान पर आता है। लाखों लोग हर साल तिरुपति में भगवान बालाजी के दर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान बालाजी किसी के दुर्भाग्य में के दौरान मदद करने वाले भगवान के रूप में प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर का अर्थ है भगवान जो हमें हमारे सभी पापों से मुक्त करते हैं। वेन का अर्थ है पाप, कट का अर्थ है उद्धार करने वाले, पापों से हमको मुक्त करके हमको हमारा उद्धार करने वाले। इधर आप देख सकते हैं ये हरे राम का जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाचते गाते ये भजन कर रहे हैं। ये बालाजी की मूर्ति आप देख सकते हैं, वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति। हम इस दुनिया में रहते हैं पीड़ा जन्म जन्मांतर अनेक पाप कर्मों के कारण। अब इस कलयुग में यह पाप का युग है, यह दोषों का सागर है। तो भगवान की पूजा करें, उनके पवित्र नामों का जाप करके अपने दोषों को नष्ट करें। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह आप मंदिर का बाहर का परिसर देख सकते हैं। इस इस्कॉन NVCC में एक बड़ा प्रसाद हॉल भी है, जिसमें लगभग 1000 लोग भी साथ में बैठ के प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ विशेष समारोह या फिर कुछ फंक्शंस कल्चरल कार्यक्रम किए जाते हैं, उसके लिए सांस्कृतिक हॉल भी है। मंदिर के बाजू में काफ़ी कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ दुनिया भर के शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ बढ़िया भोजन भी मिलता है। यह आप देख सकते हैं
मंदिर का बाहर का परिसर, एक गिफ्ट सेंटर है। ये देखिए कार्यमर्दन के फन के ऊपर खड़ा हुआ श्री कृष्ण की मूर्ति। ये मंदिर का शाम का नजारा आप देख सकते हैं। इस मंदिर में काफी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी है। ये इस्कॉन गिफ्ट सेंटर। मंदिर के बाहर रहने के लिए भी और एक सुंदर गेस्ट हाउस भी है, जहां आप मंदिर के शांत वातावरण में आराम से रहने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस मंदिर में आके भगवान के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।